आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। काफ़ी कम टाइम तक उसको यूटिलाइज किया गया, बट या दैट इज़ द फोर्ट। इसके वॉल्स के साथ साथ जिससे आप नीचे तक पहुंच सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, इसके कॉर्नर से दूर रहें, क्योंकि हल्की सी चूक आपको अपनी लाइफ कॉस्ट कर सकती है। क्या किंग पैलेस है? हाँ, पूरे कवर्ड रहा होगा एक टाइम पे। अच्छा, हाँ, अभी गिर गया है तो ठीक है। ये पूरा जो दिखाया मैंने, ये किंग पैलेस है पूरी भाई। ये ऊपर ऊपर जो दीवार देख रहे हो, ये रही होगी, पूरी कवर करती होगी इसको एक टाइम पे, पता नहीं कैसे गिरी है। एक टाइम पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो डिप्रेशन सा रहा, ये पूरा पानी से भरा होता था। गाय वगैरह जो चल रही है, पूरा घास वगैरह आ गया। अब तो वह पूरा इसको सराउंड करते हुए पूरा टूम गया सदिन तुगलक का, उसकी वाइफ एंड सन का। बट ये वही पूरा ये सोच से अगर सराउंड करता ताकि कोई यहाँ तक पहुँच ना पाए आराम से। बहुत डीप होता था ये, अभी हमें लग रहा है क्योंकि घास पेड़ इतने आ गए हैं, बट ये काफ़ी डीप हुआ करता था। और कमाल की बात है यार, मतलब टूम को सही रखने के लिए, बचाने के लिए फ्रॉम मंगोल्स यानी अदर इन्वेजन्स जो फ्यूचर में हुए, काफ़ी फोर्ट्रेस टाइप बनाया हुआ था मैंने टूम को, क्वाइट डिफरेंट देन हुमायूंस और मैंने बताया जैसे काफ़ी सारे उनसे अलग रहा है। तो चलते हैं और नेक्स्ट आपको वही दिखाता हूँ। टूम तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है यार, ये देखो इतने बढ़िया दिखाया है मैंने, ग्रासी लॉन एकदम बन रखा है। ये जो पीछे जो है, दिस इज़ द मेन टूम ऑफ, दिस इज द टूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज वाइफ एंड सन। और एक और टूम है सामने की तरफ जो पड़ती है टूम ऑफ जफर खान। ये बेसिकली जनरल थे दिल्ली सल्तनत में एंड बैटल के दौरान ये मर गए थे। इनकी जो टूम है वो सबसे पहले बनी थी इस कॉम्प्लेक्स में, जो पूरा टूम का कॉम्प्लेक्स है। और वहाँ से जो एम्परर थे गियासुद्दीन तुगलक, उन्हें आइडिया आया था कि जो उनकी टूम है वो किस तरफ होगी, किस फेसिंग या मतलब कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए। तो इसीलिए जो पीछे देख रहा हूँ मैं दिखाता हूँ, दिस इज द टूम ऑफ जफर खान। जफर खान जलालुद्दीन खिलजी के वक्त से ही अलाउद्दीन खिलजी के फॉलोअर थे एंड वॉज नेम्ड वन ऑफ द ग्रेट फोर खान्स। इन्होंने उलुग खान के साथ मुल्तान जीता और चगताई मंगोल्स को रोका था। फोकलोर ऐसा कहता है कि इनका डर मंगोल्स को इतना ज़्यादा हो गया था कि उनके घोड़े का अगर कभी पानी पीने से मना कर देते थे तो वो उनसे पूछते थे कि कहीं जफर खान को तो नहीं देख लिया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक अलग व्यू तो लिया जाए यार बारिश का, इसी साइड से कुछ ले ली फोटो वीडियो दिखा दी आपको। अब अलग व्यू दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे टूम की तरफ भागना पड़ेगा। लेट्स सी जल्दी पहुँच पाते हैं और चलना।
टाइम ज़्यादा हो रहा थोड़ा, तो थोड़ा मुझे टाइम बचाना पड़ेगा। एक मिनट, ऑल द थ्री टू सेंट्रल वाली सबसे बड़ी लग रही है, तो वो शायद गियासुद्दीन तुगलक की होगी। ये उनकी वाइफ की, मे बी वो उनके बेटे की, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, मैं अपना अनुमान ही लगा रहा हूँ। तो मैं करेक्ट कर देना अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन हो तो। देखो आवाज़ गूंज रही है, आ रही है इसमें सिक। अच्छा है यार, यार मौसम तो एक नंबर हो गया यार, क्या मस्त बारिश हो रही है। बस ये है, निकल नहीं सकता यहाँ से, वरना अभी इतने से मैं इतना सारा भीग गया। इतना इतना भीगना नहीं है यार, मन नहीं है। तो दिखाता हूँ, तो एसी को शूट वूट करता हूँ और कुछ इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस टॉम्ब को सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल से बनाया गया था। नोटेबल फीचर इस टॉम्ब का ये है कि इसकी वॉल्स स्लोपिंग एट 75 डिग्रीज बनाई गई हैं रैदर देन 90 डिग्री जैसे नॉर्मली होती हैं। इसका आर्किटेक्चुरल स्टाइल हिंडोला महल इन मध्य प्रदेश के जैसा है। ऑल्दो इसमें हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर या क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी, उनका हल्का फुल्का टच आपको इवन देन कई कोनों में देखने को मिल जाएगा। आज के दिन तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर वक्त की किल्लत होने के कारण मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ा। कुछ ऐसा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैं हल्की मतलब हल्कम तो हो गई है पहले से, बट स्टिल हो रही है। मैं निकल गया फोर्ट से, टूम से, एंड अभी फिर मैं बस वगैरह का देखता हूँ। मैं बस से जाने का मन है यार, ये पता नहीं इतना टाइम हो गया, आज मन बहुत हो रहा है बस से जाने का। रेयरली ही बस से जाना होता है, तो क्यों ना मौका लग सकता है तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह थोड़ी कम ही रहती है इस साइड पे। बदरपुर साइड के लिए ही जाती हैं यहाँ से ज़्यादा बसेज, तुम्हें मेट्रो स्टेशन के लिए मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट अपनी गाड़ी वगैरह से तो बेस्ट है, पार्किंग दिखाई ही मैंने, तो गाड़ी से आओ तो नो इशूज, सॉर्टेड एकदम। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, दिखाता हूँ। जाने की मुराद भी पूरी हो ही गई। लकीली जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करा, ऑपोजिट से ये बस आ रही थी। मैंने पूछा भैया से कि जा रही आगे के क्या सीन है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन जाना है। मैंने भैया बोला चढ़ जाओ इसी में। मैंने कहा बढ़िया यार, बढ़िया किस्मत है, डायरेक्ट बस ही मिल गई। तो प्रॉबली दी लास्ट क्लिप जो आप देख रहे हो इस वीडियो से, क्योंकि और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए, वापस ही जा रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, नई चीज़ें पता चली हो, व्यूज़ ऑडियो वीडियो जो है सब कुछ भी अगर बेटर लगा हो, ख़राब भी लगा हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। अच्छा लगा हो और तुम चाहो कि यार और तुम्हारे दोस्त या समथिंग शुड ऑल्सो वॉच दिस, तो उसको शेयर ज़रूर करना, वुड बी ऑफ ह्यूज हेल्प। देखते अब अगले का तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा सीन, अभी के लिए तो यही है, खाली खाली बस है, बढ़िया लग रहा है। तो कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय फॉर नाउ।